you wanna be. Taking things away they come. Nothing is as cool as drifting in the sunlight, dancing to Bacardi Fun. आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ माताना मठ, और साथ में हम जाएंगे नेत्रा, और आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे लैंडस्केप, कुछ ऐसी जगह जो कि देख के आप यहाँ आने का मन बना लेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग माय फैमिली एंड ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड माय व्यूअर्स। तो आज हमने व्लॉग स्टार्ट किया है मेरे विलेज लोडाई से, विंटर सीजन की गुलाबी ठंडी को महसूस करते हुए। आज की हमारी जो जर्नी है वो है माताना मठ, और साथ में हम कवर करेंगे नेत्रा। बाय टैक्सी जाने वाला हूँ विथ माय फैमिली, पूरी जर्नी में शूट करूँगा रास्ते में। चलो आपको दिखा देता हूँ गांव का सनराइज कैसा होता है। आमतौर पर तो हम विंटर सीजन में ठंडी के दौरान काफ़ी लेट उठते हैं, लेकिन अगर कहीं जाने का होता है तो एक्साइटमेंट में ही अपने आप नींद उड़ जाती है, और सूरज से पहले उठ के सूरज को उगते हुए महसूस करके हम लोग निकल चले बाय रोड अपनी मंजिल की ओर, यानी माता का मठ। तो पहले हमने कवर की गिचड़ा मुनिम दादा टेम्पल, और यहाँ पर हमें नज़ारे दिखे कुछ ऐसे जो कि एक सूखी पड़ी नदी के है। ये जगह मुझे ऐसी लगी जैसे कुदरत ने एकदम फुर्सत से यहाँ पर बैठकर ये शिल्पकारी की हो। ये जगह एकदम पेंटिंग की तरह थी। इसे ग्रेट कैनियन का पॉकेट साइज भी आप कह सकते हैं, और कुछ ऐसे लैंडस्केप जो कि देख के आप हैरान हो जाओगे। वो फील तो यहाँ पर लाइव होने के बाद ही आएगी आपको। शायद मैं आपको वीडियो में इतना ज़्यादा नहीं दिखा सकता, और हमारे पास टाइम भी बहुत कम था, तो जितना हो सके उतना मैंने इस हिस्से को कवर किया है। यहाँ के नज़ारे स्टेप बाय स्टेप अलग अलग होते हैं। हर एक स्टेप के साथ आपको नए नए आकृति, नए नए पत्थर, एकदम एक दूसरे से विकृत और अलग प्रकार के पत्थर देखने को मिलेंगे। ये जगह फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है। करीब करीब आधा घंटा यहाँ बिताने के बाद हम लोग निकल पड़े अगली मंजिल, यानी कि मुनिम जी आश्रम गिचड़ा। मुनिम जी आश्रम, ये जगह हमारे गुरु यानी कैलाशगिरी बापू की समाधि है, और यहाँ पर कैलाशगिरी बापू का आसन भी है। यहाँ से हम निकल चले अपनी अगली मंजिल यानी कि नेत्रा जोगमैया माता के मंदिर की ओर। हम पहुंचे अपनी मंजिल जोगमैया माता मंदिर। ये मंदिर पहाड़ी के ऊपर स्थित है, गांव की सबसे ऊंची जगह में से एक। यहाँ से पूरे गांव का एकदम सिनेमेटिक व्यू दिखता है। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अंदर जो माता जोगमैया की प्रतिमा है उनका एक साइड का शोल्डर हर साल बढ़ता है। फिर हम पहुँचे माताना मठ देवी आशापुरा के मंदिर में। ये जगह भी कच्छ में सबसे फेमस जगहों में से एक है। यह मंदिर है देवी आशापुरा का, और यहाँ पर नवरात्रि के टाइम बहुत सारे यात्री पैदल आते हैं, और मुंबई से बहुत सारे लोग साइकिल ले के माताना मठ आते हैं। इस जगह के बारे में विस्तार से आपको
पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।